हाँ पापा। गणेश मेरी बात सुनो, इसी वक्त डीजीपी के ऑफिस आ जाओ। अभी आता हूँ, पर आप इतने टेंशन में क्यों हैं? जल्दी से आ जाओ। पापा पापा हेलो पापा हेलो पापा चलो अपने भाई को संभाल जाके चल। ए जाना, ए घूर क्या रहा बे, चलना। ए सुनो रे, वो आएगा और मरेगा। मेरे भाई क्या हो गया तुझे? अरे उठ उठ उठ। ये क्या हुआ? चाचा चाचा चाचा, कुछ नहीं होगा, आपको कुछ नहीं होने दूंगा मैं। पापा मैं चाचा को हॉस्पिटल लेकर जाता हूँ, वहां ये चाचा 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 तुझसे भीख मांगता हूँ, खुद को उनके हवाले कर दे, तभी वो तेरे चाचा को हॉस्पिटल ले जाने देंगे, नहीं तो तेरा चाचा खत्म हो जाएगा। चाचा को मरने नहीं दूंगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा उन्हें, मैं खुद को सरेंडर करता हूँ। बस चाचा चाचा को बचा लीजिए, उन्हें हॉस्पिटल ले जाइए, ले जाइए पापा। हमें बच्चे की जरूरत नहीं है, हमारा बेटा तो ये है। थोड़ी देर और रुक जाओ, वो भी टपकने वाला है, फिर दोनों को साथ ले जाना। सर मुझे जाने दे, तो ये मर जाएगा। बोल रहा हूँ ना, मैं अपने बेटे को अच्छी तरह जानता हूँ, एक मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा। मेरे बेटे की भी यही प्रॉब्लम है सर। मतलब? वो अपने चाचा से बहुत प्यार करता है, अगर उसके चाचा को कुछ हो गया तो पता नहीं वो क्या क्या करेगा वो। मैं अपने बेटे को जानता हूँ, मैं आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ सर। क्या उखाड़ लेगा? चीर के रख देगा, फाड़ डालेगा, तुझे भी मार डालेगा। धनुष, अगर उसके चाचा को कुछ हुआ तो हमें टपका देगा, भतीजे को छोड़ पहले इसका गेम बजा। क्या कहा? मेरे भाई को मारेगा, इसको मरवाएगा, मार के दिखा। तब है तो मार, ए बेटा ये दरिंदे तेरे चाचा को मारने जा रहे हैं। क्या इसी दिन के लिए तुझे पाला था? हिम्मत है तो अपने बाप को हॉस्पिटल पहुंचा कर। मैंने तुझसे कहा था ना, इसमें दम की जरूरत होती है, अगर दम है तो ये खेल जीत कर दिखा।